एवरी वन एंड वेलकम टू नॉलेज नेस्ट आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने कॉरेस्पॉन्डेंट्स इग्नो से क्यों प्रेफर किया एंड किन सिनेरियोस में आप भी प्रेफर कर सकते हैं तो आप अगर एडमिशन ले चुके हैं या लेने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा तो आइए देखते हैं सो लेट्स सी सबसे पहले कि इग्नू आखिर है क्या इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इंडिया की सबसे पुरानी एंड ट्रस्टेड डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी है जो कि इस्टेब्लिश हुई थी बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1985 ये एक हंड्रेड परसेंट जेनविन एंड यूजीसी जी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है यहाँ से ली गई कोई भी डिग्री हंड्रेड वैलिड होती है टू अप्लाई इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स सो डोंट फॉल इन टू ट्रैप ऑफ पीपल क्लेमिंग कि यहाँ से ली गई डिग्री वेटेज नहीं रखती है इंटरव्यूज में एंड वो वैलिड नहीं होती है दे आर हंड्रेड परसेंट जेनुन ये एक सेंट्रल डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी है जो आपको कोरस्पोंडेंस डिग्री प्रोवाइड करती है इन यूजी पी जी सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्सेज आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अपने इंटरेस्ट के कोर्सेज उसके फीस स्ट्रक्चर एंड अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं इग्नो के पास ऑल ओवर इंडिया थाउजेंड से भी ज़्यादा स्टडी सेंटर्स हैं फॉर द बेटर हेल्प ऑफ दियर स्टूडेंट्स एंड आई एम प्रिटी शो कि आपके एरिया में भी ज़रूर होगा तो आइए अब देखते हैं कि मैंने क्यों यहाँ से करस्पॉन्डेंस प्रेफर की एंड आप भी किन सिनेरियोस में इसे कंसिडर कर सकते हैं सबसे पहला एस्पेक्ट जो हमें डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी में मिलता है वो है रोलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स थ्रू आउट द ईयर येस इट्स वेरी ट्रू बड़ी बड़ी रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ अपने एडमिशन विंडो पोर्टल सिर्फ दो बार ओपन करते हैं एंड दे गिव यू डेड उसके बाद अगर आप उसको फुलफिल नहीं कर पाते देन दे डोंट रियली ओपन इट फॉर सम स्टूडेंट्स तो आपका अगर एक सेशन में एडमिशन मिस हो जाता है देन यू विल हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन वेयर एज डिस्टेंस यूनिवर्सिटी में थ्रू आउट द डेट्स एक्सटेंड होते रहते हैं सो इट्स लाइक आपके पास ऑप्शन होता है कि जब आपको अपने प्रॉपर ट्वेल्थ की डिग्री मिली या ग्रेजुएशन की डिग्री मिली देन यू कैन अप्लाई उनके एडमिशन पोर्टल्स लकीली आपको ओपन मिल जाते हैं ड्यू टू एक्सटेंशंस एंड आप आराम से वहां अप्लाई कर सकते हैं अनलेस लाइक रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ सो so, आप इस चीज़ को समझें कि जब आपने अपने ट्वेल्थ की या ग्रेजुएशन की डिग्री प्रॉपर्ली रिसीव कर ली हो देन आपको लकीली एडमिशन के पोर्टल्स ओपन मिल जाएंगे बिकॉज दे गिव यू लॉट्स ऑफ एक्सटेंशंस मैंने खुद 2021 जुलाई सेशन का एडमिशन नवंबर के एंड वीक में लिया इसी से आप समझ सकते हैं कि स्टूडेंट्स को कितना एक्सटेंशन मिलते हैं दूसरा ग्रेट एस्पेक्ट इज़ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी विच मीन्स लर्निंग वेन एवर यू हैव द टाइम करेस्पॉन्डेंट्स के साथ एक बेनिफिट है कि आप तब पढ़ सकते हैं जब आपके लिए कन्वीनियंट हो देखिए इग्नो इस चीज़ को समझता है दैट यू कुड नॉट जस्ट बी अ स्टूडेंट यू कुड आइदर बी अंडर अ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी और अ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और एनी अदर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस सो ये आपको प्रॉपर टाइम लिमिट प्रोवाइड करता है टू स्टडी टू अटेंड योर क्लासेज टू सबमिट योर असाइनमेंट्स एंड एवरी इनका जो करिकुलम होता है ये प्रॉपरली इस तरह से डिजाइन ही किया गया होता है ताकि स्टूडेंट्स अपने घर के कंफर्ट पे पढ़ाई कर सकें नाउ अनदर ग्रेट एस्पेक्ट इज सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग्स यस ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है इस बारे में बहुत ज़्यादा बात करना ज़रूरी इसलिए है बिकॉज़ यू कम्पेयर योर सेल्फ अगर आप किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हो ग्रेजुएट होते हो तो वहाँ की यूनिवर्सिटी का खर्चा वहाँ के हॉस्टल का पेमेंट वहाँ अगर आप कोई फ्लैट रेंट करके वहाँ रहते हो वहाँ के खाने का यूनिवर्सिटी के लिए ट्रांसपोर्टेशन कम्यूटेशन ये सब का ख़र्चा मिला करके आपके बजट पर क्या असर पड़ेगा एंड दैट टू फॉर अवर ग्रेजुएशन डिग्री आई एम नॉट सेंग कि एजुकेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट

कुछ बच्चे अपने शहर से दूर जा कर के पढ़ाई करते हैं दिल्ली मुंबई बेंगलोर चेन्नई ऐसे सिटीज़ में अपनी यूनिवर्सिटी प्रेफर करते हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि एक मेन सिटी के यूनिवर्सिटी का खर्चा कितना आ सकता है एंड आई एम नॉट सेइंग के लोगों को क्वालिटी एजुकेशन प्रेफर नहीं करनी चाहिए ऑफ कोर्स अगर आपकी किसी बहुत ही रीनोन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाती है लाइक डी यू बी एच यू एक्सेट्रा देन आप प्रेफर कर सकते हैं बट सबका तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता है ना तो जिनका नहीं होता है दे शुडेंट बी स्पेंडिंग अलाउट दे शुड स्पेंड स्मार्टली ऑफ देयर एजुकेशन बजट्स नाउ ऑनलाइन रिसोर्स लर्निंग एंड प्लेटफॉर्मसर अपडेटेड रेगुलरली इसका मतलब है कि डिस्टेंस लर्निंग के जो वेबसाइट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेशली अपडेटेड रहते हैं आप देख सकते हैं कि विद इन सेकेंड्स आप वेबसाइट खोलते हैं एंड न्यू इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बोर्ड पर ज़रूर आ जाता है एंड अनलेस रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट वो बहुत ही ज़्यादा आपको लगता है कि उन्होंने बस बना करके रख दी है दे आर जस्ट टू शो द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कैम्पस वहाँ कोई इंफॉमेसन तो आती है नहीं आई कैन अंडरस्टैंड वहाँ जब रेगुलर क्लासेस चल रही हैं तो स्टूडेंट्स आर सपोज टू नो एवरी थिंग फ्राम द नोटिस बोर्ड एंड कॉलेज फैकल्टी एंड स्टूडेंट बॉडी बट अगर यहाँ आपके पास वो सारी चीज़ें नहीं हैं देन आपके पास वेबसाइट है ईच रीजनल सेंटर की वेबसाइट भी काफ़ी अपडेटेड रहती है यू कैन मतलब टोटली रिलाय ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर न्यू एंड फ्रेश इन्फॉर्मेशंस यू विल हैव अ बेटर फोकस ऑन योर करियर एज़ वेल बिकॉज इस डिग्री के साथ साथ आप अपनी किसी जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हो या पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब भी कर सकते हो बिकॉज यहाँ आपको मैनेज करना है अपनी पढ़ाई एंड अपना जॉब या जॉब की प्रिपरेशन। इट इज़ टोटली अपॉन यू यहाँ आपको रेगुलर क्लासेज एंड यूनिवर्सिटी अटेंड करना कोई कंपलसरी नहीं है सो यू कैन अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ टोटली बैलेंस बोथ ऑफ दैम अब जो मैं बताने जा रही हूँ अ फ़ास्टर ट्रैक टूवर्ड्स कंप्लीशन ऑफ डिग्री इसका क्या मतलब है देखिए इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है दैट इग्नू विल गिव यू अ फास्टर डिग्री ग्रेजुएशन की तीन साल की डिग्री दे विल गिव यू दो साल में इट्स नॉट लाइक दैट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आप किसी ऐसे स्टेट में रह रहे हो जहाँ की स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ इतनी जल्दी आपको ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं प्रोवाइड करते हैं इंडिया में अभी भी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो काफ़ी स्लो चलती हैं एंड दे विल वेस्ट योर टू टू थ्री ईयर्स वो पाँच से सात साल अभी भी लगाते हैं डिग्री प्रोवाइड करने में इन दैट केस इग्नू इज़ अ फार फार बैटर ऑप्शन दे विल गिव यूर टाइमली डिग्री एज सुन एज यू कम्प्लीटिड आप अपने सारे एग्जाम्स क्वालिफाई कर लोगे अपने सारे क्रेडिट्स बिल्कुल फुलफिल कर लोगे दे विल गिव यू यूर डिग्री अनलाइक अदर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ नाउ द बेस्ट एस्पेक्ट ऑफ इग्नू इज़ जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया वो था स्टैंडर्डाइज एंड सफिशंट स्टडी मटीरियल्स इग्नू खुद अपने स्टडी मटीरियल्स प्रोवाइड करता है एंड ये स्टडी मटीरियल्स काफ़ी इंक्लूसिव होते हैं यह आपको कहीं पर भी मार्केट में ऑनलाइन अमेजॉन फ्लिपकार्ट कहीं नहीं मिलेंगे सिर्फ इग्नो के पास इसकी ऑथोराइजेशन है वो चाहेगा तो आपको भेजेगा या ऑनलाइन भी आपको उनके ही कंटेंट ऐप पे मिलेगा ऑनलाइन मिल सकते हैं लाइक कॉपी टेक्स्ट पीडीएफ में एफ मेंल बट स्टडी मटीरियल्स इन हार्ड कॉपी सिर्फ इग्नू के ही रीजनल सेंटर में आपको मिल सकते हैं अवेलेबल हो सकते हैं एंड दे आर एंड दे आर अमेजिंग टू रीड जस्ट इमेजिन कोई यूनिवर्सिटी अपने सिलेबस के स्टडी मटेरियल्स ख़ुद डिलीवर करता हो ऐसी यूनिवर्सिटी मैंने तो नहीं देखी है ज़्यादातर स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी सब में हम बुक्स बाहर से लेके आते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं हम तो आधा समय खोजते ही रह जाते हैं कि यहाँ के सिलेबस क्या है एंड यहाँ पे चलेगा क्या यहाँ पे आंसर्स क्या लिखना है वेर एज इग्नू आपको सिलेबस भी बता देता है एंड uh, कैसे आंसर्स लिखने हैं क्या स्टडी मटेरियल कहाँ से पढ़ना है इंस्टेड ऑफ बाइंग टेन बुक्स दे आर सेंडिंग यू वन बुक जो कि उनका खुद का है कि ऐसे यहाँ से पढ़ो एंड ऐसे आंसर्स लिखो इज़ इन दैट ग्रेट एंड वो आपको दो ऑप्शंस भी प्रोवाइड करते हैं आप चाहो तो बुक्स के फॉर्मेट में भी ले सकते हो एंड अगर आप चाहो तो ऑनलाइन पढ़ सकते हो ई कंटेंट ऐप्स अपने लैपटॉप्स पे उनके भेजे हुए बुक्स पोस्ट के थ्रू आते हैं एंड कभी कभी आने में वो डिले हो जाता है काफ़ी स्टूडेंट्स के कम्प्लेन है कि मेरे बुक्स नहीं आए सो इन केस अगर आपके बुक्स नहीं आते हैं तब तक आप ई कंटेंट ऐप से पढ़ लो पी के फॉर्म में उसके बाद बुक तो आ ही जाएंगे एंड स्टडी मटेरियल्स का डिस्पैच वगैरह हुआ कि नहीं इसके स्टेटस जानने के लिए भी पोर्टल पे काफ़ी सारे ऑप्शंस एंड लिंक्स होते हैं आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो नाउ वी हैव रीच्ड एट द एंड ऑफ द वीडियो एंड टू सम मैं अपना एक्सपीरियंस इन यहाँ के जो बेनिफिट्स मुझे मिले उनके बारे में बताती हूँ कि मैं एक रेगुलर कोर्स और एक डिस्टेंस कोर्स साथ में करना चाहती थी वन डिप्लोमा एंड वन डिग्री एट अ सिंगल टाइम एंड गवर्नमेंट ने इस चीज़ की uh, इजाज़त दी है दैट यू कैन परस्यू बोथ ऐट अ सिंगल टाइम दोनों रेगुलर नहीं होने चाहिए दोनों डिस्टेंस नहीं होने चाहिए बट एट अ सिंगल टाइम यू कैन परस्यू रेगुलर एंड अ डिस्टेंस कोर्स तो डिस्टेंस कोर्स के लिए मैंने इग्नू प्रेफर किया तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे एंड आप भी कर सकते हो एंड आप भी पहले इन होने से पहले चेक कर लेना कि गवर्नमेंट ने कहाँ किन चीज़ों की इजाज़त दी हुई है मैंने सब कुछ चेक करके ही इनरोलमेंट कराया

अनदर थिंगज़ मुझे रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ विज़िट करने का स्ट्रेस नहीं होता है ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे बचते हैं एंड टू बी ऑनेस्ट रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ में जाके भी बच्चे क्लासेज बंक ही करते हैं कुछ कम ही होते हैं वेरी फ्यू आर वेरी अटेंटिव टू वर्ड्स वॉट देयर प्रोफेसर्स आर टीचिंग इंस्टेड वो कैंपस जाके बस कॉलेज लाइफ एंड ऑफलाइन क्लासेज की सेल्फीज़ क्लिक uh, कर करके इंस्टाग्राम पर एंड सोशल मीडिया हैंडल्स पर जा डालने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं इंस्टेड ऑफ़ दैट मेरा समय बचता है मैं घर में पढ़ती हूँ मैं डिसाइड करती हूँ मुझे क्या हूं? मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डिसाइड कर लेती हूँ आज क्या पढ़ना है आज ये नहीं मुझे क्लास से बराबर में चलने का कोई प्रेशर नहीं है मैं अपनी स्पीड से चल रही हूँ मैं ऑनलाइन लेक्चर्स देखती हूँ अपने घर के कंफर्ट पे ऐसा नहीं है कि मैं लेक्चर्स मिस कर रही हूँ आप इस एडवांटेज का थोड़ा ध्यान से यूज़ करिएगा अपने लाइफ में बिकॉज आप आलसी मत बन जाइएगा डिस्टेंस लर्निंग का ये मतलब नहीं है कि आपको पढ़ाई नहीं करनी है आई यू हैव टू इक्वली लर्न रेगुलर एंड डिस्टेंस डिग्री में बस एक यही फ़र्क है कि आपको भी पढ़ना है एंड उनको भी पढ़ना है आपको बस यूनिवर्सिटी जाके नहीं पढ़ना है बट ऐसा इसका मतलब नहीं है कि पढ़ना ही नहीं है सो प्लीज़ बी श्योर कि डिस्टेंस यूनिवर्सिटी का ये मतलब नहीं कि एडमिशन कराया एंड भूल गए यू हैव टू बी अटेंटिव एंड वेरी केयरफुल एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि मेरे पास इग्नू के स्टडी मटेरियल्स खुद ही हैं मुझको मार्केट में जा कर के चीप गाइड बुक्स एंड जो पता भी नहीं है मुझे कि ये आंसर सही है कि नहीं वो बुक्स ख़रीदने का कोई प्रेशर नहीं है मुझे पता हंड्रेड परसेंट मेरी यूनिवर्सिटी में क्या चलता है एंड मुझे क्या लिखने पे मार्क्स मिलेंगे क्या आंसर सही हैं एंड इग्नू के स्टडी मटेरियल्स काफ़ी स्टैंडर्ड होते हैं यू कैन टोटली रिलाई ऑन देम फॉर एग्जाम पर्पजेज़ ऑल्सो ऐसा मत समझिए कि वो बस एक रफ रीडिंग के लिए यह yes, सब अपना एग्जाम्स भी अटैम्प कर सकते हैं उनको पढ़ के बहुत ही ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में होता है कुछ कुछ टॉपिक्स आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग लग सकते हैं इंट्रोडक्शन एंड ऑल तो उसको स्किप करके पढ़िए एंड हाईलाइट करके अंडरलाइन करके पढ़िए एंड दैट्स वेरी ग्रेट लास्ट एक बहुत अच्छी चीज़ इग्नू के साथ ये है दैट दे गिव मी द लिबर्टी टू चूज़ माय स्टडी सेंटर्स एंड एग्जाम सेंटर अकॉर्डिंग टू मी अनलाइक रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ वो चूज़ करते हैं कि आपको कहाँ एग्ज़ाम देना है एंड यहाँ मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से जो मेरे लिए नियरेस्ट पड़ता है जो मेरे लिए ईजी टू रीच है मैं सब कुछ दिमाग में एनालाइज करने के बाद मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे अपना स्टडी सेंटर कहाँ देना है देखिए आप भी कोविड को ध्यान में रखते हुए वैसी जगह चूज़ करें जहाँ आप अगर ट्रेन से बस से ना पहुँच सकें तो अपनी व्हीकल से बाय रोड वगैरह पहुँच सकें बिकॉज अभी कुछ भी डेफिनेट uh, नहीं है कुछ भी कभी भी चेंज हो सकता है कभी भी कोई भी गाइडलाइंस आ सकती हैं तो आप अपने हिसाब से अपना स्टडी सेंटर चूज़ करें एंड आई थिंक मैंने सारे इम्पोर्टेंट चीज़ों को कवर कर दिया है जिन भी फ्रेशर्स के मन में उ था कि क्या करें क्या नहीं मैंने हर एक चीज को ध्यान में रखते ही इस वीडियो को बनाया है दैट आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए जो भी लोग इस चीज़ से विड्रॉ कर रहे हैं इग्नू में एडमिशन लेने से पहले ये सोच के कि इग्नू की डिग्रीज वैलिड नहीं होती है कुछ लोगों ने यह फेक एंड रबिश न्यूज फैला रखी है आई डोंट नो वाई बट मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि लोग इग्नू की डिग्रीज लेके साइंटिस्ट आई ए क्या क्या बन गए हैं कितने सारे ऑनलाइन इंटरव्यूज सारे ऑनलाइन इंटरव्यूज़ आपको अवेलेबल होंगे यूट्यूब पे आप आराम से देख सकते हो क्लेमिंग कि उन्होंने इग्नू से ही पढ़ाई करके अपने जॉब को पाया है सो इट इज़ कम्प्लीटली बेसलेस ये क्लेम करना कि इग्नू की डिग्री वैलिड नहीं है अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो देन यू कैन ड्रॉप इट डाउन इन माई कमेंट बॉक्स एंड आई होप कि uh, मैं जो वीडियोज़ बना रही हूँ वो आपको अच्छे लगेंगे एंड uh, अगर आपके पास मेरे चैनल के लिए कोई भी सजेशन हो या कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ सजेस्ट मी एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो देन सब्सक्राइब मी टर्न द ब्लैक थम ब्लू एंड लाइक शेयर एज मच एज यू कैन इन ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज़ सपोर्ट मी एंड आई एल सी यू अगेन दैट्स ऑल थैंक यू